कृषि दर्शन के देखिए जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। भाई संगवारी हो, आप मन ये बात ल भली भांति जानत हो कि हमर पूर्व समय में हमर किसान भाई मन ह अपन अपन बाड़ी में सुग्घर नाना प्रकार के साग सब्जी फल मन ल उगावत रहिस हे और सुग्घर बढ़िया बाड़ी में ही अपन घर के खाए के पूर्ति सबो चीज ल कर लेते रहिस हे। लेकिन आज के समय में संगवारी हो, हम हाँ ये सब व्यवसाय ल रोजगार के तरीका में घलोक व्यवसाय के रूप में घलोक हमन ह अच्छा से अच्छा कोई भी प्रकार के साग सब्जी की खेती ल कर सकत हन। वैसे ही हमर संगवारी मन ह घलोक करत हे, ओकर मन से आप मन ल हमन ह मिलाबो। लेकिन ओकर से पहले आप मन बर है कुछ खास। ड्रम सीडर जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं मशीन अभी आ रही है सामने से, उसका इस्तेमाल कीजिए। ये एकदम आधुनिक यंत्र है और ये आपको कृषि डिपार्टमेंट से सब्सिडी के साथ अवेलेबल हो जाती है। और ये 7.5 kg इसमें सीड आप भर सकते हैं और बहुत ही आसान है, चलाने में भी एकदम फ्री है। आप एक इसका वेट भी बहुत कम है, तो ये एकदम अत्यंत आधुनिक यंत्र है जो आप कभी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से खरीद सकते हैं। यहाँ पर भारत सरकार की द्वारा एक परियोजना पर काम किया जा रहा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ़ में धान की खेती को बढ़ावा देना एवं धान की खेती के बाद दूसरी फसल की संभावना को बढ़ाना है। तो किसान भाइयों, आपको मैं यहाँ पर यह सलाह देना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एक राइस सीडर का विकास किया गया है, जैसा कि वो ट्रांसप्लांटिंग में जिस तरीके से पौधे से पौधे की दूरी भी मेंटेन होती थी, उसी तरीके से इस मशीन में भी मतलब पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी भी मेंटेन होती है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें बीज की जो दर है, जैसे अपन 82 में 80 किलो 100 किलो इस तरीके से लगाते थे, यहाँ पर जो बीज की जो आवश्यकता होती है केवल 8 से 10 किलो प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये यंत्र कितना अच्छा है। इस पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अनुसंधान परिक्षेत्र पर कार्य किया गया एवं फार्मर्स के फील्ड पर भी हम लोगों ने करीब 50 से 100 एकड़ में इस पर खेती की थी पिछले खरीफ सीजन में। और इसमें जो उत्पादन है वो रोपा पद्धति के बराबर आया और उत्पादन लागत में करीब करीब 3 से 4 हज़ार रुपये की कमी देखी गई। तो वही संगवारी होलो, एक बार आप मन के फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जहां आज हम गोट बात करबू कि हमन सेमी के वैज्ञानिक ढंग ले खेती कैसन ढंग के कर सकन ये विषय में। और यही विषय में ढेर कन चर्चा करे बर गोट बात करे बर हमारे संग महावय रज्जू वर्मा जी। वर्मा जी, हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आप मन धन्यवाद जी। और जैसे कि हमारे किसान भाई मन आप मन अभी हमारे टीवी के माध्यम से देखा थे और वो जानना चाहते थे कि आप मन जिन सेमी के खेती ल करत हो सुग्घर ढंग ले, ये प्रेरणा आप मन ला कहाँ ले मिली से, कैसन ढंग के आप मन सोचो कि हमला सेमी खेती में अच्छा फायदा मिल सकत है। ये तो सबके ये है जे में आप मन जो प्रचार करता हो और हमार सरकार मन जिन प्रचार करते ओकर जरिए से ये खेती के हमला उन्नत किस्म के बीज भी मिलते और उन्नत किस्म के हमन ल जानकारी देते और वो जानकारी के हिसाब से हमन खेती करथन। बहुत अच्छा बात है भैया। और हमार भारत सरकार के यही योजना घलो करे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमन हमार संगवारी मन के खेती बाड़ी के हम प्रचार प्रसार ल करन। तो ये सुग्घर ढंग ले खेती आप मन सेमी के करत हब, तो एक बार सबले पहली बात होते कोनो भी खेती बर जमीन के तैयारी, तो जमीन के तैयारी बर आप मन का प्रयास करे हो, का उद्यम ल करे हो, वाला शुरू से बताऊँ। हमन का है जमीन ल एक तो वो छोटे ट्रैक्टर आते ओमे खुदाई करवा थन, और ज़्यादा बोले लेते नहीं आए काबर नान नान आदमी हैं, छोटे छोटे किसान हैं है ना, तो का है ये जोताई करवा थन, जो नास में उखड़वा थन और में ड्रिप लगवा थन, और ड्रिप के साथ का है बीज ल 3x3 के ओमे अंतराल में बोआ थन। भैया जैसे हम हाँ जब जमीन की तैयारी करथन हमला के बार ओमा अपन ला का चीज़ के ध्यान रखना है, के बार हमला ओमा ट्रैक्टर चलवाना है, कब तक ट्रैक्टर चलवाना है, का ओकर स्थिति होते माटी के? नहीं, जैसे बीज डाल देन तो ओकर बाद ट्रैक्टर चलवा की जरूरत नहीं है, ओमे का है खातू डालथन हमन, जैसे गोबर खाद है और ओकर बाद पोटास वगैरह जैसे जरूरत पड़ते ना, जैसे सरकार मन निर्देश देते और जैसे जैसे ओमन हमला शिक्षा देते वो हिसाब से हमन अपन खेती के बारे में हमन कार्यक्रम करते हैं।
तो वर्मा भैया जिसे हमारे किसान भाई मन आप मतलब देखा थे और मन जानना चाहते कि आप मन हाँ जैसे माटी के तैयारी शुरू में करे हबो माटी के परीक्षण घलो करवाए हबो कतका महत्व है माटी के परीक्षण के और कैसन ढंग के आप मन हाँ ये जमीन के तैयारी ल करे हो बोला विस्तार से बताओ। हमन का है पहली जमीन ल खोदवाएन ओकर बाद ट्रैक्टर में वो भुर भूरा करवाएन ओकर बाद ये माटी हमारे सही है कि नहीं है इला हमन ग्राम सेवक से ग्राम सहायक से पूछें तो ओमन बताइस कि हमन चेक करके बताबो और चेक करके जैसे बताइस तो वो हिसाब से हमन एक खेती शुरू करें। बहुत अच्छा बात है संगवारी हो ये बात ला आप मतलब हमन हमेशा की था हमारे साइंटिस्ट मन घलो की थे कि आप मन अपन अपन क्षेत्र में ग्राम सेवक है तेकर मन से आप मन अपन माटी के परीक्षण ला करवाओ माटी में कौन से प्रकार के तत्व के अधिकता है या कमी है ओकर हिसाब से फिर पता चलता है कि हम लोग कितना खाद डालना है कितना नहीं डालना है। बहुत अच्छा बात है भैया और हम एक बाद में जानना चाहबो कि जेन आप सेमी के बीज लगाए हबो तो सेमी के बीज लगाए हो तो ओकर का कंडीशन में कब लगाए हो दिन में लगा हो शाम के लगाए हो कैसन ढंग के लगाए हो है ना और एकर संग में बीज ल डाले हो तो कतका दिन में हमर बीज है मतलब पीका फोड़ धर लीस का है जैसे बीज ल लाए अब बीज हमन तो अपन पैदा करन नहीं हर बीज ल खरीद के लाथन कई ठन बीज खराब भी हो जाते कई ठन बीज अच्छा भी रहते तो हमन का है मिट्टी के सारी चीज करे के बाद ना ओला हमन बीज लेना 3x3 के अंतर में एक एक ठन डालथन एक आध दो ठन खराब भी हो जाते लेकिन अभी हमारे यहाँ बीज खराब भी नहीं हुए और बढ़िया भी है और एक आध दो ठन खराब हुई तेल तो अब किसे का डर बे। तो पानी पर आप मन कौन कौन से प्रकार के उद्यम ल करे हो ये अच्छा आप मन हमारे देखा था ना मन है हमारे सेड भी लगे हैं और ड्रिप इरीगेशन भी लगे हैं कैसन ढंग के आप मन है अनुदान के तहत पाए हो धन खुद खरीद के लगाए हो ड्रिप इरीगेशन पानी की व्यवस्था कतका कतका बात पानी की व्यवस्था हमन अपन हिसाब से कर रहे हैं 8-9 बोर कराए हैं नतका में और में कई ठन बोर फेल भी हो गए तो मैं कुछ अनुदान तो सरकार से मिले है नहीं मिले इसे बात नहीं है और जैसे कि का है अभी जन चलत है 3 बोर में हमारा पूरा ड्रिप सिस्टम है पूरा प्लाट में अभी ये सेमी में ये आप देखो ये पूरा ड्रिप सिस्टम है और ये ड्रिप सिस्टम में चलत है तो कई ठन बोर का है अचानक खराब हो जाते या पानी के लेवल कम हो गए इस साल पानी कम गिरे है तो जैसे हमारे धान है उतनी खराब हो गए एक अनुदान सा सरकार ला देना चाहिए लेकिन अभी नहीं मिले हमला तो का है ये अब ड्रिप सिस्टम है अचानक दे बोर खराब हो जाए तो ये सेमी पूरा खराब हो जाए तेला हमन कहाँ पाबो तो वही लगा था भैया जिसे एक किसान हाँ सेमी के खेती ले करा था भाई तो जिसे का घर में बोर के साधन है या जो भी पानी के साधन है तो वो पानी ला हमला या सेमी के खेती में कब कब देना है कतका कतका मात्रा में के घंटा चलाना है ड्रिप ला ये ला बताते ये तो का है जैसे कि का है अगर सूखा है तो जब तक वो गिल्ला नहीं होता तब तक हमला चला पड़े और उसमें घंटा नहीं देखन हमन काबर वो गिल्ला च नहीं हुए तो हमन काबर वो बंद करबो यानी कि कहे का मतलब है कि हमारे जिन माटी है तेन हाँ नमी युक्त जब तक नहीं होगी संगवारी हो तब तक हमला ड्रिप चलाना है यानी कि 1-2 घंटा सुबह 1-2 घंटा शाम तक के। बहुत बहुत धन्यवाद भैया तक सुखर जानकारी आप हमारे किसान भाई मल्ला दे हो कर बर और संगवारी हो जैसे कि आप मन हाँ आज देखा था वो कि कैसन ढंग के हमार किसान भाई मन हाँ आधुनिक ढंग से सेमी के खेती लग करा था भाई ढेर कन चर्चा गोड बात और करबो संगवारी हो लेकिन से पहले बेरा हो गया एक ठन संदेश के संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत हुई मेरे साथ बोलो ए बी अरे नादान बच्चे को ABC सिखा रहा है अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा ये देख विज्ञापन तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है ACABC ACABC जी हाँ ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी तब तो मैं जरूर सीखूंगा
काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम लहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, भारत का। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। तो संगवारी हो, संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन का स्वागत है। और जैसे कि हमारे मन के गुड़बात चला थे, चर्चा चला था कि सेमी के उन्नत खेती, वैज्ञानिक ढंग ले खेती हम कैसे ढंग के करन, और हम पहुँचे रहन कि सुग्घर सेमी के खेती में हम पानी के प्रबंधन यानी कि जल प्रबंधन ला कैसन ढंग के करन। तो जल प्रबंधन ला कैसन ढंग के करना चाहिए, एक बार हमारे संग में हमारे एक और संगवारी किसान भाई आवे। किसान भाई, क्या नाम है आपके? जीतू वर्मा। जीतू भैया, आपके हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। और जैसे कि हमारे किसान भाई मन जानना चाहते हैं कि सेमी के खेती हम करत हन तो हमला कौन से प्रकार के पानी के प्रबंधन ला करना चाहिए? पानी के प्रबंधन बर हमन ला ड्रिप इरीगेशन बहुत बढ़िया लगत है, ओकर से पानी व्यर्थ नहीं जाए, जहाँ पौधा है वहीं पानी जाए। पानी के प्रबंधन बहुत अच्छा है ड्रिप इरीगेशन। एक संगे संग हम एक बात और जानना चाहबो कि ये ड्रिप इरीगेशन बर कोनो भी प्रकार के कोई व्यवस्था या कोई सुविधा गवर्नमेंट के माध्यम से कोई लाभ या कोई योजना के लाभ आप मन उठाए हो? हाँ, लाभ उठाएँ उद्यानिकी विभाग से, छूट मिले ओकरे माध्यम से लगाएँ ड्रिप इरीगेशन। बहुत अच्छा बात है भैया। और संगवारी हो, ये बात ला अपन भी जाना था कि अपन अपन क्षेत्र में आप मन हाँ अपन ग्राम सेवक से बात करके आप मन ऐसन जो सुघर किसान भाई मन पर योजना बना है सरकार है, ओला आप मन ले सकत है ओकर मापदंड के अनुसार में। एक संग संग भैया, जिससे कि हम अपन बढ़िया व्यवस्था करें हैं, तो ये जो ड्रिप ला हम चलाथन तो हम लोग कौन से प्रकार के ध्यान रखना है कि कतका कतका देर चलाना है ड्रिप ला? और गर्मी के समय जैसे अब आगे है, गर्मी के समय हमारे किसान भाई मन कहीं पौधा लगा ही, तो गर्मी के समय में हम लोग कब कब चलाना है ला? पानी गर्मी के समय में जितना हो सके शाम को ही चलाना चाहिए, ओकर से पानी ऊपर ने उड़े वाष्पीकरण बन के सीधा जमीन में जाए। पानी के बचत करना है तो शाम को ही बढ़िया है। बहुत सुघर बात ला बताए हो संगवारी हो, ये बात ला अपन भी ध्यान रखो कि पानी ला अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा चलाना है तो शाम के चलाहू, काबर कि शाम के वाष्पीकरण नहीं हो, वास्तव में वो पानी हमारे जमीन के अंदर जाही तो हमारे मन के जो जड़ हवे ओला पानी अच्छा से अच्छा मिल ही। एकर संगे संग भैया हम ये जानना चाहबो कि ये सुघर खेती ला अपन करत हो, ये मा खाद प्रबंधन कैसे कैसे है, कतका कतका अंतराल में हमला ये मा खाद खातु या जीवन गोबर खाद है वाला डालते रहना है? गोबर खाद तो अपन जमीन तैयारी के समय डाल देथन, और साथ में DAP है, पोटास है, बहुत कम मात्रा में डालथन रसायन खाद ला। ओकर बाद पौधा के बढ़वार के हिसाब से जैसे जैसे समय निकलत जाते ओकर हिसाब से खाद डाले जाते हैं। बहुत अच्छा बात है भैया। लेकिन तब होले कैसे एक मतलब मापक दौर पे जैसे हमारे जो सेमी के जो फसल हबे कतेक दिन के होते? सेमी के 3-4 महीने टूटी ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब ये 3-4 महीना के अंतर में जैसे हमला
का चीज़ का ध्यान रख के ये DAP यूरिया ला डालना है, कौन सी स्थिति में डालना है, कोई ऐसे विशेष लक्षण दिखते कि हमारे पत्ती पीला हुआ थे तब डालना है, कि पत्ती में कोई विशेष प्रकार के आप मन देखते हो कि हाँ अभी लम्बे खाद के कमी है या डालना है, इस कैसे जानते हो? खाद के कमी अपन फल जैसे आते तो वहाँ कभी कभी फल छोटे हो जाते हैं तो अपन ला पता चल जाते कि खाद के कमी के कारण फल छोटे आते। कभी कभी कुछ दूसरा अन्य बीमारी भी आ जाते ओकर से भी फल छोटे आते, बाकी ज़्यादातर फल छोटे होए के कारण खाद के कमी के कारण ही हुई। तो वो समय का हम लोग ध्यान रखना है कि हम लोग एक निश्चित समय में अपन लोग बीच बीच में खातू मल डालते रहना है, जिन यूरिया जिन पोटास अब है ना। तो एक बाद में हम बात करते हैं कि अमर जो तैयार हो गए है तो इला अपन तोड़ाई करथन, तो तोड़ाई करे समय हम लोग कौन कौन से बात का ध्यान रखना चाहिए, या एक से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये हमें भी आपसे कि जैसे फूल लगते वो समय में हम लोग बहुत अकन चीज़ के ध्यान रखे पड़ते कि फूल ज़्यादा झड़े मत, ओकर बार हम लोग का प्रबंधन करे लगते फूल झड़े के का वगैरह से विशेष उपाय हमें? फूल कई कारण से झड़ते, वैसे मार्केट में आजकल बहुत सारा दवाई है फूल रोके के, अपन नवीन के यहाँ से दवाई पूछ पाछ के ले लेते हैं, बढ़िया दवाई मिल जाते वहाँ से, फूल भी रुक जाते फल भी सही पकड़ते। और दूसरा बात, फूल जैसे आते तो अंदर घुसना नहीं चाहिए ताकि फूल खराब मत हो। ये एक संगे संग जैसे हमारे फल अब लग गए हैं एम कौन कौन से प्रकार के बीमारी के प्रकोप आ सकते हैं, कैसन कैसन प्रकार की बीमारी आते? बीमारी सेमी में बहुत कम ही आते, वैसे आए बर आते होकर लिए रोकथाम पर भी बहुत सारा दवाई है। कभी कभी पत्ता पीला पीला हो जाते हैं वो कुछ कमी कारण फंगस के कारण होते, अपन ओकर लिए नेटियों का उपयोग कर लेथन, ओकर से पूरा बिल्कुल हरा भरा दिख जाते हैं। एक संगे संग भी जिसे हम देखते हैं कि सेमी में खलो मतलब कीड़ा रिसे अंदर में या छेदा हो जाते सेमी मन है, तो ये मतलब जो फल छेदक जो कीट है एक कारण से होते, एक बार आप एक रोक कैसे करते हो? आप स्प्रे चलाए पड़ते हैं, आजकल स्प्रे के कई ठो साधन है, ट्रैक्टर से भी चलित होते हैं, STP है ओकर माध्यम से अपन कीटला मारे जा सकते। एक बाद में हम बहुत अच्छा चीज़ ये जानना चाहबो कि हमारे जो फसल है बहुत सुघर ढंग ले हो गए है, एक हमला तोड़ाई करना है और तोड़ाई के संगे संग हमारे अगर मार्केटिंग भी करना है, तो तोड़ाई करे की स्थिति में जब आ गए है फसल हमारे जो सेमी हवे ओला हमला तोड़ाई करते समय का बात के ध्यान रखना है, कौन से तरीका से तोड़ना है, कैसन ढंग के हमला मतलब बचा के तोड़ना है? सेमिक तोड़ाई ध्यान यही रखना कि फूल बिल्कुल न झड़े, और जो छोटे फल है वोला कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सेमिक फसल ऐसे कि एक दूसरा बेलर लपेट जाते हैं, तो वोला बिल्कुल सावधानी से अंदर घुस के ही तोड़ाई करना चाहिए ताकि अगला नेक्स्ट तोड़ने वाला है वो अच्छा से उत्पादन मिल सके। यानी कि हमला ध्यान रखना है कि झटका से साथ में सेमी नहीं तोड़ना है, ओकर से संगवारी हो फूल घलोक झड़ जाही और आप मन के मतलब फसल कम आ जाही, तो ये तो बहुत अच्छा बात है भैया। अब जैसे हम बात करते हैं प्रबंधन के, मार्केटिंग प्रबंधन के, एक माँ आप मन है कैसन ढंग के अगर व्यवस्था करते हो कि आप मन के यहाँ आके ले जाते कि आप मन मंडी में देते हो, कैसन ढंग के व्यवस्था करते हो? व्यवस्था बहुत बढ़िया है आजकल, जगह जगह मंडी भी खुल गए है, मंडी भेज देते हैं आजकल, कोचिया मन भी फार्म से सीधा उठा के ले जाते, कोई कमीशन के झंझट नहीं है, बहुत बढ़िया है सेमी का मार्केट, कहीं बाहर भेजे की जरूरत नहीं है, अपन लोकल मार्केट में ही खपत हो जाते पूरा। बहुत अच्छा बात है भैया, सुघर जानकारी आप हमारे संगवारी मल्ला दे हो। कोई विशेष बात हमारे किसान भाई मल्ला आप बोलना चाहो तो स्वागत है। किसान भाई मल्ला मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सेमिक खेती आप वैज्ञानिक तरीक़े से करो और उद्यानिकी विभाग से समय समय में जानकारी लो, ओकर लाभ भी बहुत सारा देते उद्यानिकी विभाग ओकर से लो, बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संगवारी, आप अतक सुघर जानकारी हमारे संगवारी मल्ल दे कर पर, और संगवारी हो आप मन भी सुने देखो कि कैसन ढंग के हमला वैज्ञानिक रीति से हमला सेमी के खेती ला करना है, एक संगे संग हमारे जन भारत सरकार है जन अनुदान हमारे किसान भाई मल्ल देवत है वो योजना के लाभ घलोक उठाना है, एक संगे संग संगवारी हमला ये बात के भी याद रखना है कि हम अपन घर अपन गाँव अपन देश अपन शहर ला एकदम साफ सुथरा रखना है, जैसे कि संगवारी हो आपने देखे हो आज की सेमी के खेती ला कैसन ढंग के करे जाए ये विषय में ढेर अकन जानकारी है, और जानकारी के बाद बेरा हो चले है एक ठन सुघर गीत सुने के, आओ सुनथन और देखथन ये गीत ला। बोहाए आओ गड़े धानी का
शिव जी नारी रूप बना के काए जग महतारी का गीत रही संगवारी हो, कैसे लगी आप मल्ला बना लगी ना गीत के आनंद आप मन ले हो संगवारी हो और जानकारी घलोक देखे हो। अपन अपन क्षेत्र में आप मन सुग्घर सेमी के खेती लग करूँ, वैज्ञानिक ढंग से करूँ, सुग्घर योजना के लाभ उठाऊ संगवारी हो। यही शुभकामना के साथ आप मन हमला पत्र व्यवहार घलोक कर सकत हो। हमार मन के पत्र के पता तो आप मल्ला पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। संगवारी हो आपके मितान अगले अंक में नामा विषय के संग फेरा ही, तब तक बर जय जोहार।